नमस्ते, मेरा नाम ओल्गा है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं यूक्रेन की राजधानी कीव में रहती हूँ। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉरेनर कैसी हिंदी बोल रही है। वेल, मैंने हिंदी भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। इसके बाद मैं कई साल भारत में रही हूँ और काफी ट्रैवल भी किया है। अभी कोविड की वजह से सब बंद पड़ा है और कोई ट्रैवल इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि याद करती हूँ पांच ऐसी चीजें जो मेरे को भारत के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। अगर उन पॉइंट्स में कोई गड़बड़ हो या आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट करिए, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगी। नंबर एक, त्योहार। भारत में इतने सारे त्योहार है कि सेलिब्रेशन के लिए कैलेंडर भी काम पड़ जाता है। और त्योहारों के बारे में मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हर त्योहार के पीछे एक धार्मिक या ऐतिहासिक कथा होती है। ये कथा हमें उस त्योहार के महत्व को समझाती है और याद दिलाती है कि हमेशा अच्छाई की जीत और बुराई की हार होती है। जैसे होली के पीछे भक्त प्रहलाद की कथा है, दिवाली के पीछे श्री राम की और महाशिवरात्रि के पीछे महादेव की। भारत के हर प्रदेश में एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसके साथ ही कुछ त्योहारों को पर्टिकुलर स्टेट्स में स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी। हर त्योहार को रंग बिरंगे तरीके से मनाया जाता है। उनका अपना डेकोरेशन होता है, अलग अलग स्पेशल खाना बनता है, मिठाइयाँ बनती है, लोग अपने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, पूरा परिवार एक साथ मिल के त्योहार मनाता है, जो आजकल स्ट्रेसफुल जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन त्योहारों पर हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और अपने रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझते हैं। नंबर दो, खाना। भारतीय खाना बहुत मसालेदार और स्वादिष्ट होता है। मेरे लिए कभी ज्यादा तीखा होता है क्योंकि यहाँ के लोग इतने मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इवन जब खाना खाते समय आंखों से आंसू निकलते हैं, कान से दुआ और पैर इतना भर जाते हैं कि लगता है अभी फटने वाला हो, तब भी रुकने का मन नहीं करता है। भारत में साल भर ताज़ी सब्जियाँ, फल और मसाले मिलते हैं और सब्जी की इतनी वैरायटी होती है, तभी भारत का खाना इतना टेस्टी होता है क्योंकि सब कुछ इतना फ्रेश मिलता है। पूरी दुनिया में वेजिटेरियन खाने की इतनी वैरायटी नहीं है जितनी हमारे भारत में है। हर स्टेट, इनफैक्ट हर शहर और गांव में अपना कुछ स्पेशल डिश होता है, जैसे मुंबई में पाव भाजी, तमिलनाडु में डोसा और राजस्थान में दाल बाटी। इवन जो डिशेस कॉमन है उनका भी स्वाद हर जगह के हिसाब से बदलता है। एक बात जो मुझे सबसे खास लगती है वो ये है कि पूरी दुनिया में इतना फ्री खाना लोगों को खिलाया नहीं जाता जितना भारत में मंदिरों में, गुरुद्वारों और लंगरों में खिलाया जाता है। नंबर तीन, कपड़े। भारत के लोगों के कपड़े बहुत कलरफुल होते हैं, जो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ लोग मोस्टली काले, ब्राउन, नीले कपड़े पहनते हैं। सूट, लहंगा मुझे बहुत सुंदर लगती है और सबसे स्पेशल साड़ी लगती है, क्योंकि साड़ी वो क्या है, वो एक कपड़े का पीस है जिसको हम इतने सारे तरीके से पहन सकते हैं, इतने सारे डिजाइन हो सकते हैं कि उसको पहनने में आप कभी बोर नहीं होंगे। साड़ी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर बॉडी टाइप के साथ अच्छी लगती है। साड़ी पहनकर हर महिला बहुत सुंदर और ग्रेसफुल लगती है, चाहे मोटी है, चाहे पतली, चाहे छोटी है या चाहे लंबी। बेस्ट बात यह है कि अगर मेरा वेट भी चेंज हो जाता है तो साड़ी का साइज चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर स्टेट की अपनी ड्रेसेस होते हैं,
डिजाइन होती है और लोगों के कपड़े को देख के आप पहचान सकते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। नंबर 4, नेचुरल ब्यूटी। भारत में आपको हर प्रकार के नेचुरल लैंडस्केप्स मिल जाएंगे। नॉर्थ में पहाड़ और प्लेन्स है, साउथ में समुद्र है, वेस्ट में रेगिस्तान और ईस्ट में जंगल। भारत में इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि हर तरीके के पेड़ पौधे और जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। एक ही सीजन में भारत के डिफरेंट पार्ट्स में आपको अलग अलग मौसम देखने को मिलेगा। जैसे सर्दियों में उत्तर में बर्फ और ठंड होती है और दक्षिण में प्लेजेंट मौसम होता है। एक और स्पेशल बात है कि भारत के अंदर चिरापुंजी है, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। नंबर 5, हिंदी। भारत में हर प्रदेश की अपनी भाषा होती है, फिर भी ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। ये भारत की एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जब मैं भारत में घूम रही थी, मोस्टली सब लोगों को हिंदी समझ में आती थी, जिससे मेरे जर्नी काफी आसान हो जाती थी। हिंदी के बारे में सबसे बेस्ट बात यह है कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसे यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड रशियन एंड यूक्रेनियन में कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, वो हिंदी में बिल्कुल नहीं होता। ये बात उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जो दूसरी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहा है। हिंदी वर्णमाला बहुत लॉजिकल और फोनेटिकल तरीके से अरेंज्ड है। हिंदी सुनने में बहुत प्यारी और मीठी लगती है और बहुत ही इमोशनली एक्सप्रेसिव भी होती है। मैं अपने घर पे अपने हस्बैंड से हिंदी में ही बातें करती हूँ। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो मेरे को भारत के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसको ज़रूर शेयर करिए एंड नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सजेशन एंड फीडबैक आप कमेंट्स में लिखें। Until next time, namaste!